दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका इस देसी चैनल में। आज हम आपको फाल्कन ग्रास मूवर मशीन के बारे में, इसके ऑपरेशन के बारे में बता देते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको बता देते हैं फाल्कन ग्रास मूवर की रूपरेखा, किस तरह इसको ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों आप इस मशीन की तरफ देखते हैं, इसमें 3 लेवल्स हैं। ये 12 mm से 30 mm तक की ग्रास को काट देती है ये मशीन। यह आप तक है, निर्भर है कि किस एडजस्टमेंट लेवल पर आप इसे रखते हैं। फॉर इंस्टेंस ये जो है इस मशीन की, ये एडजस्टमेंट आर्म है। इस एडजस्टमेंट आर्म को आप किस लेवल पर रखते हैं ये आप तक निर्भर करता है। इस स्क्रू को ढीला करना पड़ेगा जब आप इसको 21 mm, ये इंटरमीडिएट लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल है 30 mm, यानी 12 से 30 mm तक की ग्रास को ये काट देती है ये मशीन। तो ये एडजस्टमेंट आप तक है, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट आर्म। और ये जो है, ये देखते हैं आप, ये 3 जो हैं इनको कंप्रेशन स्प्रिंग्स कहते हैं। तो इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये क्या है, ये इसके बीच में जो पाइप है, और इस पाइप को हम कहते हैं रोलर पाइप, जिसमें ये कंप्रेशन स्प्रिंग्स हैं। साथ ही साथ ये वाशर गैप है। तो आइए इसके फौरी बाद हम इसको जोड़ देते हैं इस मशीन को। जब भी आप ये फाल्कन ग्रास मूवर लाते हैं ये मशीन, तो इसको एडजस्ट करने की प्रक्रिया इस तरह से है। पहले हम लोअर हैंडल को जो है इसमें फिक्स करते हैं। याद रखिए ये मशीन जो है बहुत ही हानिकारक है जब आप इसका प्रयोग बड़े आराम से करें। पहले हम इस वाली लोअर हैंडल को बांध देते हैं, जोड़ देते हैं। इस नाप के साथ इसको बांध देते हैं। इसके फौरी बाद जो है हैंडल को दूसरा स्क्रू भी बांध देते हैं। काफी सरल तरीके से इस मशीन को हम जोड़ देते हैं। इस स्क्रू को इस नाब के साथ फिक्स करते हैं। यह है लोअर हैंडल।
इस मशीन की फालकन ग्रास मूवर मशीन की। तो इसके फौरी बाद जो है हम इसको इंटरमीडिएट जो है हैंडल से जोड़ देते हैं। तो इसके फौरी बाद जो इंटरमीडिएट हैंडल है इस वाले सिक्रू को इस नाब के साथ ज्वाइन करते हैं। तो ये पहली हैंडल थी और ये इंटरमीडिएट है, और इसके फौरी बाद जो है इस ग्रास मूवर मशीन की जो है फाइनल हैंडल जो है इसको पहले ढीला करते हैं, तब जाके इसमें एडजस्ट होगा। इसको भी थोड़ा ढीला करते हैं, तब जाके इसमें एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इन नाब्स को जो है अच्छे से बंद करते हैं। तो इसके फौरी बाद इसको भी कस देते हैं। तो इस तरह से ये आपकी हैंडल तैयार हो गई मशीन। लेकिन इसका एक और सेगमेंट भी है इस मशीन का। ये फिलहाल हैंडल का काम हो गया। अब जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ये गैदरर है, ये इसका काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है इस मशीन का। तो इसके इस तरह से इसको हम बांध देते हैं। जो ये दो क्लिप्स हैं, इन क्लिप्स को इन दो स्क्रू के साथ बांध देते हैं। देखिए काफी सरल तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। जो है इसमें फिक्स होता है, तो इसके फौरी बाद हम इसको सिक्रू के साथ जो है ज्वाइन करते हैं। तो दूसरा सिक्रू भी जो है कस देते हैं। ये ब्रैकेट्स हैं, ये पहला ब्रैकेट है, ब्रैकेट को इस स्क्रू के साथ मजबूती से बांध दिया, ज्वाइन किया। तो इसके साथ ही दूसरा ब्रैकेट जो है इसको भी स्वयं इसी तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। इसे गैदरर कहते हैं, गॉस गैदरर। अभी हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये ज्वाइन होगा, गॉस किस तरह से जो है इसमें जमा हो जाता है, फिर हम इसका
ग्राउंड टेस्ट भी देते हैं। काफी मजबूती के साथ इस सिक्री को जो है कस देते हैं। तो इसके फौरी बाद जो है आपका जो ये घास गैदरर है, अब हम इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं, अब बिल्कुल सरल तरीका है। मशीन को आगे लाते हैं और इस तरह से आप देखते हैं कि ये दो जो है इस तरह से आपका गैदरर जो है घास गैदरर तैयार हो गया, ये मशीन तैयार हो गई। अब हम इसको ग्राउंड पर टेस्ट करते हैं कि किस तरह से जो है, अब हम चलिए हम आप ग्राउंड टेस्ट इसका कर देते हैं। लीजिए फाल्कन ग्रास मोर मशीन अब तैयार है। अब हम देखते हैं इन द रियल वर्ल्ड ये कैसे काम करती है, देखिएगा तो सही। बिल्कुल आसानी के साथ चलाना है, ग्राउंड में जो कक्कर है इनको हटाना पड़ेगा, ग्राउंड तो बिल्कुल साफ होना चाहिए। यहाँ तो ऑलरेडी घास साफ है, जो भी ये घास है इसको हम से निकाल के फेंक देते हैं। इस तरह से फाल्कन ग्रास मोवर मशीन की ऑपरेशन आपने देखी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।